उसकी 100 टिकट मेरी तरफ से। अगर आप कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और मेरा ये वीडियो देखते हैं और शेयर करते हैं, डायरेक्ट मुझसे कॉन्टेक्ट करें इस वीडियो के जरिए, और मैं आपको 100 टिकट दूंगी शाहरुख खान की मूवी जवान के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देखिए मेरी तरफ से फ्री फ्री फ्री। लेकिन आपने ट्रेलर देखा, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ट्रेलर में एक डायलॉग है उसको लेके आपत्ति जता रहे लोग, सबसे पहले तो फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा आपको? मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगता है, रिकॉर्ड तोड़ेगी फिल्म? बिल्कुल, पहले दिन फर्स्ट डे शो का 100 करोड़ का रिकॉर्ड पक्का है, पक्का तोड़ेगी। अच्छा, पठान से भी आगे जाएगी मूवी शाहरुख खान की? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि इस फिल्म में जो ट्रेलर है, ट्रेलर में एक डायलॉग है, बेटे को हार लगाने से पहले बाप से बात कर, उस ट्रेलर पे आपत्ति है लोगों को, डायलॉग पे, कि वो समीर वानखेड़े को बोल रहे हैं। हाँ तो अगर बोल रहे हैं तो अच्छी बात है ना। समीर वानखेड़े ने उसके बेटे को फंसाने की कोशिश की, 25 करोड़ की रिश्वत की मांग करी और समीर वानखेड़े खुद कटघरे में फंस गए, उनके ऊपर मुकदमा वो हो गया, निलंबित कर दिया गया है। तो फिर सही सी सीधी सी बात है ना कि आरोप साबित हुआ है। शाहरुख खान डर गए क्या? तो फिल्मों के जरिए जवाब दे रहे हैं, सामने बोलने की लोग कह रहे हैं, सामने बोलने की हिम्मत नहीं है शाहरुख खान में। भैया शाहरुख खान ना किसी के बाप से नहीं डरता, शाहरुख खान खुद में एक बाप है, बादशाह कहलाता है, बुर्ज खलीफा पे उसका ट्रेलर चलता है, पूरी दुनिया उसको देखती है, पसंद करती है, शाहरुख खान क्यों डर जाएगा किसी से? लेकिन सवाल ये है कि लोगों में इस तरह क्रेज है कि टिकट तो बुक हो रहे हैं, लेकिन एक लड़की है जो शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन है, उन्होंने पूरा थिएटर बुक कर लिया है, आप भी क्या इस तरह कुछ करेंगी? हाय, उस लड़की से मुझे बहुत जलन हो रही है, उसने थिएटर बुक कर लिया है। मैं 100 टिकट बांटूंगी इस खुशी में कि शाहरुख खान की मूवी पहले दिन 100 करोड़ पार कर जाएगी, 100 करोड़ का वो पार करेगी, इसलिए मैं 100 टिकट मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री। अंधभक्त भी देख सकते हैं फिल्म में, आए मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मैं अंधभक्तों को बोलूंगी आओ भैया फिल्म देखो, आप भी भक्त बन जाओगे शाहरुख खान के। लेकिन अंधभक्त क्यों देखने आएंगे? वो तो बायकॉट करने में लगे हैं, कह रहे हैं कि ये लोग पैसा यहाँ से कमा के और पाकिस्तान को देते हैं। हाँ तो अंधभक्तों से आप प्रूफ ले लीजिए ना कि पाकिस्तान को पैसा दे रहे हैं, कहाँ से डिलीवर हो रहा है पैसा? मतलब क्या उनकी जमीनें बेच के शाहरुख खान दे रहे हैं या शाहरुख खान मेहनत कर रहे हैं, और पाकिस्तान को शाहरुख खान कौन दे रहा है, इसका क्या सबूत है उनके पास? झूठा कुछ भी बोलते हैं। वो तो बोल रहे थे कि शाहरुख खान को चने बिकवा देंगे, शाहरुख खान का बंगला बिकवा देंगे। भैया शाहरुख खान एक ब्रांड है, शाहरुख खान देश की इज्जत है, देश में लोग कहते हैं इंडिया जा रहे हैं शाहरुख खान से मिलेंगे, तो शाहरुख खान एक ब्रांड है भैया, उसके पीछे तो खाली परेशान करने के लिए, शाहरुख खान को नीचे गिराने के लिए लोग पीछे लग जाते हैं, और मुझे नहीं लगता इन बात में कोई दम है। लेकिन जिस तरह से पठान फिल्म का बायकॉट किया लोगों ने क्या, जो शाहरुख खान को पसंद नहीं करते हैं उन लोगों, फिर जो है माहौल बना रहे इसी तरह का, लेकिन कुछ लोग ये भी करेंगे ना बायकॉट नहीं करेंगे, क्योंकि बायकॉट पठान का किया था इन्होंने और पठान सुपर हिट गई थी। शाहरुख खान एक ऐसा एक्टर है जिसने बॉलीवुड को संभाल रखा है, लोगों के और बाकी हीरोज की फिल्में आती हैं और फ्लॉप होके कहाँ निकल जाती है पता ही नहीं चलता, बॉक्स ऑफिस पे कब पिट जाती है पता ही नहीं चलता। शाहरुख खान की फिल्मों और शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्मों का सिर्फ इंतजार किया जाता है कि कब आएंगी और कब हम देखें। एडवांस में बुकिंग अब तक 10 लाख की हो चुकी है एक दिन का कलेक्शन, और देखिए जब तक ये फिल्म अभी स्टार्ट होगी, जैसे ही पर्दे पर आएगी तो ये प्रॉपर 100 करोड़ तो पार कर जाएगी एक दिन में, सिर्फ एक दिन में, ये मेरा पूरा दावा है। जिस तरह शाहरुख खान की फिल्में आती हैं, पिछली फिल्म आई थी पठान, उसे भी मतलब जैसे फेस्टिवल टाइप बना दिया गया था, जिसे देखो झूमे जो पठान कर रहा है, इसी टाइप से जवान आ रही है, तो अब ये फिल्म नहीं एक तरह से फेस्टिवल आ जाता है शाहरुख खान के नाम से। कभी कभी तो मेरा मन करता है सच में पूरे बाल में मुंडवा लूं और मैं गंजी हो जाऊं, कसम से इतनी बड़ी फैन हूं मैं शाहरुख खान की, वो गंजा है फिल्म में और कई लोगों ने अपने बाल मुंडवा लिए शाहरुख खान को देख के, मतलब कसम से क्रेजनेस की कोई हद नहीं है। जो बड़े बड़े उनके जो फैन हैं उन्होंने जवान का ट्रेलर देख के अभी फिल्म भी नहीं देखी और अपने बाल उन्होंने सारे हटवा दिए, मतलब गंजे हो गए, मुंडे हो गए पूरी तरह से, तो क्रेज तो है शाहरुख खान। लोग कह रहे हैं कि बुड्ढे ने फिल्म का नाम जवान रख दिया। शाहरुख खान जिसकी फिल्में 1200 करोड़ का बिजनेस कर रही हैं वो बुढ़ा है, मतलब शाहरुख खान बुढ़ा ने जवान है क्या? जवान है बिल्कुल जवान, लड़कियां मर रही हैं भाई उसपे, उसके उसका उसका ट्रेलर देख के अपने बाल मुड़वा रही हैं लड़कियां, और मैं कई लड़कियों को दिखा भी दूंगी, तो आप मुझे बताओ वो बुढ़ा कहाँ से हो गया? अभी छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, अभी तो बच्चों की शादी भी नहीं की है, फिर कहाँ से बुढ़ा हो गया? कौन कह रहा बुढ़ा हो गया? जिसने अगर बुढ़ा कह दिया ना, मैं कसम से बोल रही हूँ उसके पकड़ के बाल मुड़वा दूंगी मैं, अगर शाहरुख खान को बुढ़ा कहा तो। शाहरुख खान बुढ़ा नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपके कहने से नहीं होगा, एज तो हो गई ना 57-58 साल।
57 58 साल में कोई बुढ़ा होता है क्या? 2 साल बाद पेंशन बन जाएगी भारत सरकार की तरफ से। नहीं, शाहरुख खान वाकई एक ब्रांड है। जब बुर्ज खलीफा पर एक जब इसका ट्रेलर लॉन्च होता ना, बुर्ज खलीफा पे पठान का भी ट्रेलर लगाया गया था और शाहरुख खान ने खुद उस चीज़ को लाइव किया था वहाँ से, जब बुर्ज खलीफा पे उसका ट्रेलर लगा था पठान का। और जवान का भी ट्रेलर मैंने बुर्ज खलीफा के ऊपर देखा है। तो भैया बुर्ज खलीफा इंडिया में थोड़ी ना है, इंटरनेशनल ब्रांड है, शाहरुख को लोग पसंद करते हैं, तो ऐसे तो पैसे दे के नहीं लगाते ट्रेलर, जब डिमांड में होता है तब चलता है। भारत का एक स्टार, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग कही जाने वाली बुर्ज खलीफा, वो तो जाहिर है सबसे बड़ी स्क्रीन भी हो गई, सबसे बड़ी स्क्रीन, तो उस पे चमकता है और लोग मुखालफत पे उतर जाते हैं। देखिए इस दुनिया में ना दो प्रकार के लोग होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं नेगेटिव। जो नेगेटिव होते हैं ना उनको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, वो अपने मन की भड़ास निकालते हैं। तो चाहे शाहरुख खान को लेके निकालें या सलमान खान को लेके निकालें या फिल्म पठान को लेके निकालें या कुछ भी करें, जो कि पठान में शाहरुख खान देशभक्त था, प्रॉपर देशभक्त था। जो लोग उससे जलते हैं, जो उसका बायकॉट कर रहे हैं, पाकिस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान चले जाओ, आप ये कर लो, शाहरुख खान ऐसा, शाहरुख खान वैसा, उसका बेटा वैसा, उसका बेटा वैसा, तो मैं बता दूं कि भैया अगर वाकई देशभक्ति आप साबित करना चाहते हो तो जितने भी लोग देश शाहरुख खान को विरोध वो कह रहे हैं, पाकिस्तान वाला कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, मैं इनको बोलूंगी आप बॉर्डर पे चले जाओ और जरा से देशभक्ति साबित करके दिखाओ, जरा अपनी जान दे के दिखाओ। जो हमारे जवान बॉर्डर पे बैठ के अपनी जान दे रहे हैं लड़के दुश्मनों से, तो तब हम मानेंगे असली देशभक्त हो आप भाई, ऐसे तो कहने से। सबीना जी, आपको क्या लगता है शाहरुख खान का जो विरोध होता है उसकी मतलब मकबूलियत कह लो या प्रसिद्धि जो है देश मतलब पूरी दुनिया में फेमस है, या फिर धर्म को लेके उसका विरोध किया जाता है? धर्म को लेके उसका विरोध किया जाता है। अच्छा, बिल्कुल साफ है, शाहरुख खान खान है, पठान है, जवान है, शाहरुख खान ठीक है ना, इसलिए शाहरुख खान का विरोध किया जाता है। अब शाहरुख खान की जगह कोई पांडे होता, शर्मा होता, तिवारी होता, तब तो नहीं होता। और किसी का देखा आपने विरोध? आपने कुमार साहब का देखा है विरोध? आपने कोई देवगन जी या किसी और का विरोध देखा है? कैसी भी फिल्में बना लो आतंकवादी का रोल करते हैं, किसका किसका रोल करते हैं, उनको तो कभी किसी ने विरोध नहीं किया। हमेशा शाहरुख खान का विरोध करेंगे या सलमान खान का विरोध करेंगे, भैया तो तुम विरोध करते रहो, तुम्हारा बस इसी में जीवन कट जाएगा विरोध करते हुए। सितारा जो चमक रहा है पूरी दुनिया उसका नाम लेती है, शाहरुख खान के नाम से देश पहचाना जाता है इंडिया, बराक ओबामा आते हैं तो उनसे मिलते हैं, फिर भी लोगों को दिक्कत है कि वो जिहादी हैं। लोगों को होने दीजिए दिक्कत, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शाहरुख खान को बुलाते हैं, साथ में डिनर करते हैं, नाश्ता करते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, मीटिंग में बुलाते हैं, मिलते हैं आपस में। नरेंद्र मोदी जी ने तो नहीं कहा आज तक कि शाहरुख खान बुरा है या शाहरुख खान ऐसा ही विरोध है या उसका विरोध किया। तो जब हमारे देश के जिहादी शाहरुख खान, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो सबसे सर्वोपरि हैं, जब उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, यानी कि वो बिल्कुल शाहरुख खान को अपना देश सम्मान देते हैं, तो देश का कोई भी नागरिक कुछ भी कहे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। योगी जी तो कहते हैं जिहादी शाहरुख खान। नहीं देखिए ये तो मुझे नहीं पता है इस बारे में, लेकिन और किसी शाहरुख खान को कहते होंगे, मुझे नहीं लगता। योगी जी तो बहुत अच्छा, इस दौर में बहुत सारी फिल्में आई जैसे 72 हो रहे हैं, आई द कश्मीर फाइल आई, लोग जब फिल्म देखने के लिए तो नफरत फैला मुसलमानों के प्रति, लेकिन जब शाहरुख खान की फिल्म आती है तो लोग उत्सव मनाते हैं, ऐसा लगता है कि त्योहार है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए जो लोग उत्सव मनाते हैं ना वो असली में सनातन है, वो असली में सनातन है, वो देश को हिंदू मुस्लिम जोड़ के रखना चाहते हैं और वो ये कहते हैं कि आपस में हम मिल के रहें, तो इसलिए उत्सव मनाते हैं। बाकी जो नफरती होती है फिल्मों में जो दिखाया जाता है, असलियत से उसका कितना लेना देना है ये कोई नहीं जानता। तो एक फिल्म को देख के आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। शबीना जी, जवान फिल्म क्या जो है उद्यम मचाने वाला है बॉक्स ऑफिस पर? मैंने फिर कहा जवान फिल्म जाइए देखिए, सुपर हिट है, एक दिन में हिट होगी, 100 करोड़ से ज्यादा, 100 टिकट मैं दे रही हूँ इस न्यूज के जरिए आपके माध्यम से। और मैं ये बोल रही हूँ जिसको जिसको टिकट चाहिए जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे कांटेक्ट कीजिए, 100 टिकट मैं बांटूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जिसको देखना है मूवी मुझे कांटेक्ट करें और बताएं। नाश्ता भी रहेगा उसमें टिकट में मेंशन? नाश्ता नहीं करवाऊंगी, सिर्फ टिकट दूंगी, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जवान की टिकट भी बहुत महंगी है। शाहरुख खान की टिकट, शाहरुख खान की मूवी और सलमान खान की मूवीज की टिकटें बहुत महंगी हैं, आप पहले दिन का शो में बहुत ही ज्यादा महंगी होती हैं, तो बस। लेकिन जो फिल्म के आखिरी सवाल करेंगे, जो फिल्म क्रिटिक्स है वो कह रहे हैं कि जो फिल्म आएगी शाहरुख खान के इतिहास की सबसे अच्छी फिल्म होगी, सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आप ट्रेलर आपने देखा है, आप क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं फिल्म को देखकर?
मैं तो यही कह रही हूँ कि वाकई सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्योंकि शाहरुख खान जब भी लाते हैं ना कुछ नया लाते हैं, कभी देशभक्ति पे लाते हैं तो कभी नई स्टोरीज लाते हैं तो कभी एक नई कहानी लेकर आते हैं, और वो कुछ ना कुछ मैसेज देती है हमारी जनता को, नागरिक को, कुछ ना कुछ मैसेज देती है हमारे देश को। तो मुझे लगता है कि ज़रूर फिल्में देखनी चाहिए। शाहरुख खान बहुत सोशलिस्ट हैं और मैसेज बहुत अच्छा देते हैं। जवान ने क्या मैसेज दिया है कि बाप से बात, बेटे को हाथ लगाने से बाप से बात कर, ये सही मैसेज दिया है बिल्कुल, कि बेटे बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, क्योंकि बाप से बड़ा समीर वानखेड़े नहीं है, शाहरुख खान से बड़ा समीर वानखेड़े नहीं है। तो समीर वानखेड़े सुन ले, तू शाहरुख खान से ज्यादा बड़ा नहीं है, और वाकई बेटे को हाथ लगाने से पहले ना तुझे बाप की सोचनी चाहिए थी। समीर वानखेड़े ने अगर एक्शन ले लिया तो समीर वानखेड़े कौन है, वो तो खुद ही आरोपों के घेरे में है, वो तो खुद ही कोर्ट के चक्कर काटते फिर वो क्या एक्शन लेगा, वो तो खुद ही 25 करोड़ की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया आरोपी, वो लेगा। उनके चाहने वाले, उनके चाहने वाले अगर फिल्म, आप चाहते हैं समीर वानखेड़े को नहीं, बायकॉट आप चाहते हो? नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ, कोई नहीं चाहता है, कौन होगा, कोई नहीं चाहेगा, कोई चाहेगा। लेकिन शाहरुख खान को आखिर में जो लड़कियां फिल्म देखने जाएंगी क्या कहेंगी? आई लव यू शाहरुख, थैंक यू सो मच।